राम प्रतिष्ठा प्रेजेंटेड बाय मंगलदीप धूप और अगरबत्ती। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। मंगलदीप, भगवान से दोस्ती। जहां राम का जन्म हुआ था, आप नारा लगा रहे थे कि मंदिर वही बनाएंगे। राम जन्म स्थान के साथ हमारी जय पराजय जुड़ी हुई है। जो मंदिर के पहले विरोधी थे वो भी अब कहने लगे हैं कि अयोध्या में मंदिर तो बनना चाहिए। बाबर वहां आते हैं, उसके कोई सूबेदार उस मंदिर को गिरा करके मस्जिद बनाते हैं। तो ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं, ये भारत के विजय पराजय का झगड़ा है। विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने स्तर से राम मंदिर मुहिम की शुरुआत 1980 के दशक में ही कर दी थी, लेकिन इसे असल बल मिला 1990 में जब बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी रथ यात्रा की शुरुआत की। इस रथ यात्रा ने दो काम किए। एक, लालकृष्ण आडवाणी को एक प्रखर हिंदुत्व राष्ट्रवादी नेता के तौर पर स्थापित किया, और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को भी एक अभूतपूर्व राजनीतिक शक्ति मुहैया कराई। इस रथ यात्रा की शुरुआत के लिए जो जगह चुनी गई वो भी बहुत रणनीतिक थी। वो जगह थी गुजरात का सोमनाथ मंदिर। ये वही गुजरात का सोमनाथ मंदिर है जिसे महमूद गजनवी ने अपने आक्रमण में तोड़ दिया था। तो संकेत बहुत साफ था कि जिस तरह आज़ादी के बाद सोमनाथ मंदिर को पुनर्निर्मित किया गया, वैसे ही रथ यात्रा के बाद अयोध्या में भी मंदिर को दोबारा बनाया जाए। यह भूमि का है, यह पृष्ठभूमि है जिसने मुझे प्रेरित किया कि जिस समय मैं राम जन्मभूमि के बारे में भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण देश के सामने रखूं और उनको कहूं कि आप उस मंदिर के निर्माण में पूरा सहयोग दीजिए, तो मुझे लगा कि अच्छा होगा कि मैं सोमनाथ को उसके साथ जोड़ूं, क्योंकि सोमनाथ की गाथा वह जय और पराजय की गाथा है। उसके ध्वंस के साथ हमारा पराजय जुड़ी हुई है और उसके पुनर्निर्माण के साथ हमारी विजय जुड़ी हुई है। उसी प्रकार राम जन्म स्थान के साथ हमारी जय पराजय जुड़ी हुई है। बाबर वहां आते हैं, आकर के उसके कोई सूबेदार उस मंदिर को गिरा करके मस्जिद बनाते हैं। तो ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं, ये भारत के विजय पराजय का झगड़ा है। रथ की प्रेरणा रामायण से ली गई। 25 सितंबर को रथ यात्रा जब सोमनाथ से निकली तो भीड़ ने उसका लगातार स्वागत किया। इसी बीच आडवाणी अपनी सभाओं में लगातार ये कह रहे थे कि ये यात्रा अयोध्या जाकर ही रुकेगी। यह यात्रा 16 राज्यों से होकर गुजरने वाली थी। रथ यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती, हुजूम जुटता जा रहा था। इसी बीच क्या कुछ हो रहा था वो हम आपको आगे तस्वीरों में दिखाएंगे। आडवाणी दिल्ली पहुंच चुके थे। दिल्ली में उन्होंने सभा में क्या कुछ कहा। आई एम ऑल्सो कॉन्शियस व्हेन आई सी हाईली एजुकेटेड पीपल, यूनिवर्सिटी डॉन्स, यूनिवर्सिटी टीचर्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, गर्ल्स कमिंग आउट फ्रॉम देयर कॉलेजेस एंड स्टैंडिंग आउटसाइड, एंड द काइंड ऑफ एंथुसियाज्म आई सी इन देयर फेसेस, इन देयर काउंटेनेंसेस, मेक्स मी फील दैट इन देयर केस इट इज नॉट जस्ट रिलीजियोसिटी। दे मे नॉट बी नॉर्मली वेरी रिलीजियस, बट इन देयर केस इट इज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिवल्शन अगेंस्ट द स्यूडो सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस्ड बाय मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज, एंड दे से दैट हियर इज अ पार्टी एट लीस्ट व्हिच डज नॉट शाय अवे फ्रॉम सेइंग दैट यस, इफ आई एम अ हिंदू आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ हिंदू। बीजेपी विरोधी कैंप को ये बात समझ में आने लगी थी कि जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे लालकृष्ण आडवाणी को रोकना मुश्किल होता जाएगा। रथ यात्रा बिहार में प्रवेश कर चुकी थी। समस्तीपुर में एक बड़ी रैली होनी थी। बीजेपी और उसके सहयोगी पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव, उन्हीं के कहने पर यह गिरफ्तारी हुई। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने लालकृष्ण आडवाणी का काफी ख्याल रखा। हेलीकॉप्टर से उन्हें उसी वक्त दुमका भेज दिया गया जहां पर एक गेस्ट हाउस में लालकृष्ण आडवाणी को रखा गया। काफ़ी सुविधाएं थी लालकृष्ण आडवाणी के लिए उस गेस्ट हाउस में। लेकिन इस घटना ने भी दो चीज़ें की। एक, रथ यात्रा रुक गई,
दूसरा लालकृष्ण आडवाणी का राजनीतिक कद बढ़ा और तीसरी चीज ये की कि लालू प्रसाद यादव को कट्टर हिंदुत्व के विरोधी ओबीसी नेता के तौर पर पूरे देश में स्थापित कर दिया। क्या राम जन्मभूमि, कौन है कहता कि यही है राम जन्मभूमि, यही राम नीचे दबे हुए हैं, छिपे हुए हैं, बाबरी मस्जिद दाब के रखे हुए हैं, कहां खेसरा खतियान प्लॉट नंबर कुछ है कोई प्रमाण किसी के पास। आडवाणी की गिरफ्तारी से रथ यात्रा पर ब्रेक लग गया, लेकिन इसे लाया गया था मंडल की काट के तौर पर। यात्रा से पहले ही प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल की सिफारिशों को लागू किया था, जिसके तहत ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाना था। अब बीजेपी को लगा कि जातियों की राजनीति बढ़ी तो उसके वोट बैंक में सेंध लग जाएगी। उस वक्त की राजनीति और रथयात्रा को नजदीक से कवर करने वाले पत्रकार इस बाबत क्या सोचते हैं? यदि आप इसका पूरा बैकग्राउंड देखें तो समझ में आएगा कि दोनों चीजें अलग अलग है। एक तो वीपी सिंह ने जो मंडल की राजनीति की वो भारतीय जनता पार्टी के जवाब में नहीं, वो देवीलाल जी के जवाब में की थी, कि उनको लग रहा था कि देवीलाल जी जो हैं बड़े लोकप्रिय हो रहे हैं और उन बड़े नेता हैं, जाहिर था देवीलाल जी बहुत लोकप्रिय थे, तो उनकी जो जाति की राजनीति थी उसके जवाब में वीपी सिंह जी ने कमंडल के बजाय मंडल की राजनीति की। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी ने क्या वीपी सिंह के इस राजनीति का जवाब दिया? ये भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जब कमंडल की राजनीति शुरू की अडवाणी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने, वो वीपी सिंह के फैसले से बहुत पहले फैसला हुआ। राम मंदिर आंदोलन का भी असर था कि लोकसभा में बीजेपी की सीटें 285 हो गई और आडवाणी की रथ यात्रा के बाद ये पहुंच गई 85 से 120, वोट प्रतिशत बढ़ा 11 से 20%। 5 साल बाद जब फिर चुनाव हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। राम मंदिर आंदोलन ने बहुत बड़ी ताकत दी भारतीय जनता पार्टी को। ऐसा नहीं है कि ये कहा जाए कि गलत है कि 285 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 1989 में चली गई, लेकिन जब हम ये बात कहते हैं कि ऐसा लगता है कि राम जन्मभूमि की वजह से 285 पर पहुंच गई, इसके एक बैकग्राउंड को और समझिए। 1984 के इलेक्शन रिजल्ट्स को देखिए, 1984 में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली क्योंकि वो इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया था और पूरा देश उस तरह से था, जिसके लिए आडवाणी जी ने कहा भी कि वो लोकसभा का नहीं शोकसभा का चुनाव था, ठीक है। लेकिन 1984 के चुनाव में जो कम लोग समझते हैं या याद रखते हैं वो है कि भारतीय जनता पार्टी 90 सीटों पर नंबर 2 रही थी, तो इसका मतलब जनाधार कोई बहुत कम नहीं था, वो 285 पर नहीं पहुंची, 2+90 को 92 समझे, और वहां से उसने इस आंदोलन ने उन 90 सीट्स को 85 सीट्स तक पहुंचाने में, नंबर 2 से रनर अप से वहां पहुंचाने में मदद की। बिहार में आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया, 2 साल बाद बाबरी विध्वंस हुआ, अखबारों ने इस खबर को छाप दिया, इसके साथ ही आडवाणी और कुछ नेताओं की गिरफ्तारी की खबरें भी छापी गई। भारत सरकार ने लिब्रहान आयोग बनाया, 30 जून 2009 को इस पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपी गई। नवंबर में संसद में सरकार इस रिपोर्ट को रखने वाली थी, इससे ठीक पहले इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट से जुड़ी कुछ बातें छाप दी। आडवाणी इस बात से नाराज थे, उन्हें नाराजगी थी कि उन्हें और अटल को बाबरी गिराने के मामले में षड्यंत्रकारी बताया जा रहा था। आडवाणी ने कहा कि वो ये चाहते हैं कि राम मंदिर बने, लेकिन वो बाबरी मस्जिद गिराने के पक्ष में नहीं थे। मैं आश्चर्यचकित हूं अगर कोई कहता कि आडवाणी ने अयोध्या के उस अवसर पर और लोगों को संग्रहित करके वहां पर लाया, इतनी बड़ी संख्या में आए इसीलिए यह घटना हो गई, कोई कह सकता था, मैं उपेक्षा करता था, शायद कहेगा, लेकिन इसमें इंडाइटमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। दो बातें कही गई हैं, सम्माननीय सदस्य को जानकारी होनी चाहिए कि मैंने वो कतरन देकर के ही उसके आधार पर मैंने परमिशन मांगी है, क्योंकि आई वॉज शॉक्ड टू सी दिस रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में मेरे वरिष्ठ नेता और इस समय काफी समय से अस्वस्थ चल रहे वाजपेयी जी को भी इंडाइट करने की बात कही गई है। मुझे इंडाइट करते तो मैंने कहा कि मैं उसकी चुनौती को स्वीकार करता, चुनौती मानता, हवाला में मुझे इंडाइट करने की कोशिश की, मैंने चुनौती मानी, मैं मेरा इंडाइटमेंट होता है, मेरी पार्टी का इंडाइटमेंट होता है, समझ में आता है,
लेकिन वाजपेयी जी का उल्लेख देख करके मुझे लगा कि मेरा कर्तव्य बन जाता है कि मैं जिनके नेतृत्व में मैंने जीवन भर राजनीति में काम किया उनके खिलाफ उनकी इस आज की अवस्था में कोई इस प्रकार की बात कहे और कही गई है। हालांकि इसके बाद सरकार ने रिपोर्ट रखी सदन में। उसके कुछ समय के बाद केस चला बाबरी विध्वंस का। लाल कृष्ण आडवाणी समेत 32 आरोपियों को 30 साल के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। लाल कृष्ण आडवाणी अब 96 बरस के हो गए हैं। पहले ये खबर आई थी कि अयोध्या में जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है उसमें वो नहीं आएंगे। फिर खबर आई कि वो पहुंचेंगे। लेकिन राम मंदिर आंदोलन और उसकी सियासत का जब जब जिक्र होगा तब तब लाल कृष्ण आडवाणी को उस आंदोलन के केंद्रीय धुरी के तौर पर याद रखा जाएगा। दिलचस्प बात यह भी है कि इस प्राण प्रतिष्ठा का सौभाग्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिस्से में आया है जिन्होंने आडवाणी की रथ यात्रा के कुछ हिस्से में उनके सारथी की भूमिका निभाई थी।